बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूँगी। यहाँ पर ली है मैंने शर्ट की बॉडी और सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। कटिंग के लिए जो हमारे पास नाफली ड्रेस है उसको हमने ऊपर की साइड पर रखा है और निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी फ्रंट साइड की भी कटिंग करेंगे जो कि हमने ऊपर से शोल्डर की तरफ से कटिंग की है। जो हमने फ्रॉक की बॉडी कट की है इस पर हम नेक डिज़ाइन भी बनाएंगे और साथ ही हमारी घेर है जिसको हम चुनट्स के साथ अटैच करेंगे। इस फ्रॉक के साथ हम पफ बाजू बनाएंगे जिसकी कटिंग भी आप वीडियो में देख लें। सबसे पहले आप बाजू की लेंथ पे मैश करें। लेंथ के बाद हमने जो आगे से जितना हमने बाजू रखना है वो हमने 6 इंच का निशान लगाया है और जो हमारा टोटल बाजू की खुलाई है वो 10 इंच है। जितनी आपने आगे से लंबाई रखी थी, बाजू की खुलाई रखी थी, उतनी ही हमें ऊपर से रखनी है। जहाँ पर हमने निशान लगाए थे और इस निशान के साथ आप बाजू को कट कर लें। जहाँ पर हमने अपने पफ बाजू में प्लेट्स लगानी है वहाँ पर हम कुछ इस तरह से 1 इंच से 5 बार निशान लगाएंगे। निशान के बाद हम एक निशान को दूसरे निशान तक रखते हुए इस तरह से इसमें चुनट्स भी लगाएंगे। अब सबसे पहले हम नेक डिज़ाइन बनाने लगे हैं जिसके लिए मैंने कपड़े की पट्टी को बुकरम पर पेस्ट किया है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग में हम डोरे का धागा यूज़ करेंगे। इस कपड़े की पट्टी पर जितने भी हमने निशान लगाए हैं इन तमाम निशान पर हम डोरे के धागे की मदद से सिलाई लगाएंगे। और फिर इसी पट्टी से ही हम अपना नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से आप तमाम पट्टी पर पहले धागे की सिलाई लगा लें। फ्रॉक की बॉडी पर मैंने वी शेप गले को कट किया है और इसको प्रेस किया है। अब हम इसके साथ सबसे पहले सिंपल नेक ही बनाएंगे। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की साइड पर रखते हुए हम इस तरह से बुकरम के साथ सिलाई लगाएंगे। बुकरम के साथ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और बारीक कट भी लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके आप गले को तैयार कर लें। हमें गले के ऊपर की साइड पर डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब जो पट्टी जिस पर हमने डिज़ाइनिंग की थी उसे मैं दोनों साइड से फोल्ड कर चुकी हूँ और अपने गले के शेप में रखकर प्रेस भी कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम गले की एक साइड पर इस तरह से इस पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आयरन की मदद से आप पट्टी को गले के शेप में फोल्ड कर लें। अब हमने दूसरी साइड से भी पट्टी को इसी शेप में प्रेस किया है और गले की दूसरी साइड पर भी रखते हुए हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को हम नीचे की साइड पर लेकर जाएंगे जो कि हम अंगरखे स्टाइल में लगाएंगे। दोनों साइड पर पट्टी लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ली है एक टसल और इसको सेंटर से इस तरह से कवर करते हुए हम मशीन की मदद से डोरी को लगाएंगे। बॉडी का डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी घेर तैयार करेंगे। ये निशान हमने इसलिए लगाए हैं कि यहाँ तक हमें अपने कपड़े पर चुनर्स नहीं लगानी। इसके बाद हम चुनर्स डालेंगे। इस तरह से आप इजीली तमाम कपड़े में चुनर्स डाल लें। इस तरीके से चुनर्स डालने से आपके तमाम चुनर्स जो हैं वो सेम एक जैसे ही प्रेस होंगे। आई होप कि आपको चुनर्स डालने का ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ तक हमने दूसरा निशान लगाया था इसी तरह से हम दूसरे निशान तक चुनर्स लगाएंगे। ये चुनर्स जो हमने सिर्फ कपड़े की सेंटर में ही लगाई हैं। इस तरह से
हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर सेम चुनर से लगाई हैं। दोनों साइड पर चुनर्स लगाने के बाद हम शोल्डर, बैक, गला और फिटिंग लगाएंगे और साथ ही हम अपने दामन भी रेडी करेंगे। दामन पर हम सिंपल फोल्डिंग के साथ लेस लगाएंगे। अब हम इसका बाजू तैयार कर लेते हैं। जो हमने पफ बाजू कट किया था, इस पर चुनर्स किस तरीके से डालनी है वो मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। प्लेट को बाहर की साइड पर रखते हुए इस तरह से आप चुनर्स को प्रेस करें और ऊपर से सिलाई लगाते जाएं। तमाम चुनर्स करूँ हमने एक ही साइड पर रखा है और इस तरह से चुनर्स डाली हैं। चुनर्स डालने के बाद हम आगे बाजू के आगे भी फोल्डिंग के साथ लेस लगाएंगे और साइड की फिटिंग भी लगाकर बाजू को अटैच करेंगे। ये हमारे ड्रेस की फाइनल लुक है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।